इनका माइक ऑन कीजिए प्लीज, ये माइक ऑन कीजिए सीधे हाथ वाला। डॉक्टर साहब, मैं माजरत करना चाहता हूँ अपने सवाल के लिए, मगर मेरा सवाल आप समझे नहीं थे शायद। मेरा सवाल तकरीर की तरह था, इसलिए मसला हो गया। और मैं वो सवाल नहीं कह रहा, दूसरा सवाल कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि हमारे पास हिंदुज़म में दो तरह की किताबें हैं, श्रुति और सुमिति, मगर पाकिस्तान में सुमिति तो सारी अवेलेबल है, श्रुति की कोई किताब अवेलेबल नहीं। अगर आप ऐसा कोई सेटअप कर दें कि हिंदुज़म की श्रुति की किताबें, वेद और उपनिषद पाकिस्तान में हर जगह पे अवेलेबल हो जाएं। भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सवाल देने क्या बहुत से श्रुति है, सॉरी बहुत से स्मृति है, श्रुति मौजूद नहीं है। हिंदुइज्म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो ईश्वर की तरफ से आती है डायरेक्ट, जो ईश्वर का कलाम है, और स्मृति जो इंसानों का कलाम है। तो भाई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से स्मृति है, इंसानों का माल, इंसानों के कलाम। स्मृति मतलब जैसे कि महाभारत, रामायण, भगवद गीता, मनुस्मृति, ये आती है स्मृति में। श्रुति भी अंदर आता है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और उपनिषद, कई उपनिषद है। तो यो कहते हैं कि पाकिस्तान में श्रुति नहीं है। मैं समझता हूँ भाई साहब की इंफॉर्मेशन गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हो सकता है कि इतनी आम नहीं जितने हिंदुस्तान में भी आम नहीं है। पापड़ बेलने पड़ते ढूंढने के लिए, मुझे तो इतनी तहकीक करने पड़ा फिर जाके दिल्ली में मिला, क्योंकि हिंदू तो पढ़ते ही नहीं है। हिंदू अक्सर भगवद गीता पढ़ते, वेद पढ़ते ही नहीं, 1% क्या, 0.1% भी नहीं पढ़ते, आप समझे ना। तो तहकीक करने पड़ता है, लेकिन चाहे तो मैं एक सेट भेज सकता हूँ, एक सेट, मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ लेकिन अरेंज कर सकता हूँ एक सेट भेजने के लिए। तो आपको गिला शिकवा नहीं रहेंगे क्या भाई, यहाँ श्रुति नहीं है। मेरे हिसाब से होना चाहिए, आप अगर जाएंगे अभी कल जो थे इस्कॉन के या बाकी कोई, लेकिन आम हिंदू इसे पढ़ते नहीं, इसीलिए अवेलेबल नहीं। सबसे ज्यादा मजहबी किताब पढ़ी जाने वाले दुनिया में कुरान है, कुरान आप कहां भी जा मौजूद है, गैर मुस्लिम मुल्क या मुस्लिम मुल्क। जब हिंदुस्तान में हिंदू नहीं पढ़ते तो पाकिस्तान में हिंदू कहां पढ़ेंगे, आप समझे ना, क्योंकि उन्हें पढ़ने से रोका जाता है, पढ़ेंगे तो पोल खुल जाएगा, आप समझे ना, पढ़ने से रोका जाता है। हमारी किताब तो बोले पढ़ो, जितना पढ़ेंगे उतना आपका जहन खुलेगा। लेकिन मेरे नजदीक यहाँ होंगी लेकिन आम नहीं होंगी, इंडिया में भी आम नहीं है। आपको जाने पड़ता भारतीय विद्या भवन, कुछ किताब मिलेंगे दिल्ली में, ढूंढ ढूंढ के आपको मिलते हो, कॉपी भी आएंगी ना, ब्रांड न्यू कॉपी, लेकिन छपी हुई 25 साल पहले 20 साल पहले। तो मेरे लाइब्रेरी के अंदर कई किस्म के वेद है, भगवद गीता तकरीबन 40 किस्म के, 40 ट्रांसलेशन है भगवद गीता के, वेद है, उपनिषद है, रामायण कई किस्म के, क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूं, स्टूडेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड कंपैरेटिव रिलीजन। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ मौजूद होंगे, नहीं होंगे तो मैं इंशाल्लाह भेजूंगा, जज़ाकअल्लाह। भाई साहब आप ही खुदा में मानते मानते या नहीं मानते, आप मानते खुदा की मूर्ति है, नहीं है, नहीं है, माशाल्लाह। आप मेरा सवाल भी आप नहीं समझे थे, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं आपको वो सवाल भी, अगर आप दो सेंटेंस में नहीं समझा सके तो वक्त इतने मजमे में नहीं है। आप ये तीसरी बार सवाल पूछ रहे, आपको अगर सवाल नहीं आता है समझाने के लिए, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, +60 +60 112133360। एवरी सेकेंड वीक मुझे 20,000 सवाल आते हैं, अगर मेरे टीम को अच्छा लगा आपका सवाल तो मुझे चुन के देंगे। हर हफ्ते 20,000 सवाल आते,
मेरी टीम मुझे 100 देती है, उसमें से मैं 20 जवाब देता हूं तकरीबन, पहले एंड तीसरे साइड को मैं सवाल का जवाब देता हूं, आज डॉक्टर जाकिर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पे मेरा बेटा देता है आशिक फारी, +60+60 1121333360, आप नेट पे भी जाएंगे मिल जाएगा आपको नंबर, ये आप समझा सकते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।